नमस्कार, मैं कमलकांत राणा पर सोशल मीडिया पर मुझे सभी राणा द वाइपर के नाम से जानते हैं। मैं बेसिकली कुल्लू जिले के निर्मल खंड के पोषणा पंचायत के एक छोटे से गांव चकलोर से संबंध रखता हूं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने गांव में हिमाचल प्रदेश का गाँव का पहला जिम बनाया हुआ है। मेरे इस जिम की जो विशेषता है वो यह है कि इसमें मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मेरे डंबल वगैरह जो भी है, मेरा सारा जो सामान है सीमेंट से बनाया हुआ है, रेत से बनाया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें मैंने कुछ एक ऐसी चीजें भी यूज की हुई है, जैसे घरेलू जो चीजें होती है उनको भी मैं डेली की दिनचर्या में यूज करता हूँ जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ। काफी सारी चीजें मैंने इसमें यूज की हुई है, जैसे रस्सी वगैरह, और इसके साथ साथ जैसे ईंटे हो गई उनको भी मैं यूज करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं युवाओं को ट्रेन भी करता हूँ और ट्रेन करता आ रहा हूँ। गर्ल्स बॉयज मैं दोनों को ट्रेन करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, एक फिटनेस के सिवा मैं गर्ल्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वो भी करवाता हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए। सेल्फ डिफेंस की मैंने जो ट्रेनिंग सीखी हुई है वो मैंने भारत की पुरानी कला, जो कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी जो मार्शल आर्ट है कलरीपयट्टू, जो कि भारत में जन्मी है, उस कला का मैं पिछले काफी समय से अभ्यास कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने ऐसी काफी सारी चीजें सीखी हुई है जो कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को बताता हूँ। आप सभी देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मेरे YouTube चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो आप राणा द वाइपर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर राणा द वाइपर और इंस्टाग्राम पर मेरे इस नाम को सर्च कर सकते हैं। मेरे ऑल ओवर जितने भी मेरे अकाउंट्स है वो राणा द वाइपर के नाम से है, आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश का गांव का पहला जिम आप देख सकते हैं। मैं फिटनेस और हेल्थ पर स्पेशली वहां पर वीडियोस अपलोड करता हूं। और इसके साथ साथ ये गर्ल सेल्फ डिफेंस हो गया। और इसके साथ साथ मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से नशा छोड़ो बॉडी बनाओ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आज का युवा नशे से दूर होकर फिटनेस की गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। ये मेरा एक खुद का मिशन है, ड्रग फ्री फिट हिमाचल। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए, कोई फिटनेस की एक्टिविटी आप जरूर अपनाएं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो उसे आप जरूर अपनाएं। और ये मैंने हनुमान का गद्दा बनाया हुआ है जिसे मैं यूज करता हूँ कुछ इस तरह, देख सकते हैं आप, काफी अच्छा है। ये भी सीमेंट का बना है, आप सभी देख सकते हैं। ये जो वेट है मेरे पास डिफरेंट वेट है, ये लगभग 20-25 केजी होगा, ये लगभग 40 केजी के आसपास होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पुलअप बार बनाई हुई है जिसे आर्मी में यदि आप रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं, या आप अपने एब्स बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, पुलअप बार काफ़ी बेस्ट है ये, जिसे आर्मी के में बीमा कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह जो बीमा किए जाते हैं आर्मी के लिए। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मेडिटेशन के लिए बनाया हुआ है या सुबह योगा करने के लिए बनाया हुआ है सुबह के टाइम के लिए, काफ़ी अच्छा है। ये भी देख सकते हैं आप, ये मैंने स्पेशली बना के की हुई है ये ग्रीनरी। और दोस्तों ये जो सिलेंडर है इसको भी मैं यूज़ करता हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए। इस सिलेंडर का यूज़ मैं इस तरह अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए करता हूँ ताकि बॉडी की स्ट्रेंथ बने। ये बाइसेप बाहर हो गया इस तरह। और दोस्तों ये मेरा एक यहाँ पर रूम है जहाँ पर मैंने कुछ इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप। ये मैंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है, ये मैंने जीन्स कपड़े से बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप इसे भी, देखते हैं आप। इसमें मैंने एक रस्सी लगाई हुई है, यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। इस तरह से भी यूज करता हूँ, विकलांग जो बच्चे होते हैं ये उनकी जो मशीन होती है जो पैरों की जो चलने के लिए होती है, ये मैंने यूज की हुई है। ट्राइसेप्स के लिए मैं इसे कुछ इस तरह यूज करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जो अपनी एक्सरसाइज जो शुरू की थी वो इस इक्विपमेंट से शुरू की थी, लोकल लैंग्वेज में इसे झब्बल कहा जाता है,
जो हमारी हिमाचल की जो लैंग्वेज है मैं इसे भी यूज़ करता हूँ। और ये मेरा टेबल हो गया जिसमें मैं चेस्ट प्रेस वगैरह करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को किन्नौर अब तक पेज में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 15 दिनों से हमारा किन्नौर अब तक पेज जो है हैक हो चुका था और इसके लिए काफी दिनों से हम जो है मशक्कत कर रहे थे। आप सभी का प्यार और हिमाचल प्रदेश के पुलिस और हमारे किन्नौर के पुलिस और फेसबुक की जो टीम के द्वारा जो है बड़ी मशक्कत से आज हमारा किन्नौर अब तक पेज खुल चुका है। तो इसके लिए आप सभी का आभार, आप सभी का प्यार बना रहे और यूं ही हमें आशीर्वाद मिलता रहे। हमारा मकसद रहता है हमारे पेज के द्वारा जो समाज के गतिविधियों को जो है आप तक लेकर आना। हरियाली और खुशहाली एपिसोड हमारे मंगलवार को रहता है जिसमें हम शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी आदि जानकारी को लेकर आते हैं। और आज हमारे सामने ऐसे शख्स है जिन्होंने घरेलू उपयोग के द्वारा, घरेलू जो है सामानों के द्वारा एक अनोखा जिम तैयार किया है और जिनका नाम है हमारे आदरणीय कमलकांत राणा जी, फिटनेस यूट्यूबर रामपुर से है और इनका चकलोट गांव से संबंध रखते हैं, जिन्हें राणा द वाइपर के नाम से सोशल मीडिया में हिमाचल में जो है जानते हैं लोग। तो राणा द वाइपर से मिलते हैं और उनसे जानेंगे कि उनका ये जो अलग प्रकार का जिम बनाने का उद्देश्य और इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली और जिम में जिम करने से क्या लाभ होते हैं और जिम करने से किस प्रकार से जो हानियां हो सकती है। क्योंकि आपको तो पता है कि जब हम किसी चीज के आदि बन जाते हैं और उसको हम बीच में छोड़ देते तो आपको नुकसान भी होता है। ऐसे कई सवालों को हम आज के अतिथि के साथ जो है हम वार्तालाप करेंगे। तो मैं जितने भी किन्नौर अब तक पेज से जुड़े हुए दर्शकों को और जो हमारे व्यूवर्स है जो इस पेज को जो है देखते रहते हर रोज हर दिन, तो उनको आभार प्रकट करता हूं और उनको नमन करता हूं इस पेज के द्वारा कि यह पेज खुल चुका है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से और हम अब पुनः काम करने के योग्य हो चुके हैं। हालांकि हमने किन्नौर अब तक चैनल दूसरा चैनल भी बनाया है जिसमें किसी प्रकार की अगर इस पेज में दिक्कत आती है तो उसमें जो है हम प्रसारण कर सके। तो आप किन्नौर अब तक पेज और किन्नौर अब तक चैनल दोनों को फॉलो करते रहे क्योंकि दोनों में अलग अलग विषयों पर जो है भविष्य में जो है काम होगा। तो चलिए मिलते हैं फिटनेस जो है हमारे ट्रेनर से, हमारे यूट्यूबर ट्रेनर से, हमारे आदरणीय श्री कमलकांत राणा जी जिन्हें कहते हैं राणा द वाइपर। राणा सर नमस्कार, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार नेकी सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे अपने इस पेज पर बुलाने के लिए।
राणा सर, आप एक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। जिस प्रकार से आज के आधुनिक दौर में युवा जो है नशे की ओर जा रहा है, लेकिन आपने इससे अलग युवाओं में एक अलग प्रकार का जो है एनर्जी और उत्साह लाने के लिए, उनको नशे से दूर करने के लिए आपने बहुत सारी योजनाओं का जो है, बहुत सारा जो है आपने जिम के द्वारा और आपने जो है आपने एक कराटे जिसमें आपने बताया उसके द्वारा भी आप जो बहुत सारे काम जो है अपने एरिया में कर रहे हो। और मुझे उम्मीद है आपके इस एपिसोड के द्वारा किन्नौर के हिमाचल के युवाओं में भी एक उत्साह होगा और अपने गांव में अपने घर में इस प्रकार का जिम जो है तैयार करेंगे। हालांकि हर हर जो है गांव में जो है एक समस्या रहती है, लोग सरकार के पास जाते हैं, हमें जिम दीजिए, हमें जो है जिम एक खोल दीजिए। बहुत सारे सरकार भी प्रलोभन दे रही है आजकल वोट बैंक के लिए कि आपको जिम देंगे, आपको ये देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ राणा द वाइपर से सीखना चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी का श्रेय लेने की जरूरत नहीं, किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। आप में अगर दम है, आप में अगर जोश है, आपके अंदर उत्साह है, तो आप अपने आप अपने घर में अपने फिटनेस के लिए, अपने बच्चों के फिटनेस के लिए, अपने परिवार के फिटनेस के लिए आप खुद जो है जिम तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी का श्रेय लेना, और इतना इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास थोड़ा बहुत जगह हो और उस सीमित जगह में आप बहुत सारी चीजों को जो है आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो चलिए सबसे पहले हम राणा जी से जानना चाहेंगे, अपना परिचय जो है अपने ही मुख से सुनना चाहेंगे, इनका परिचय जो है, शिक्षा, स्कूली शिक्षा कहाँ तक चली है और बचपन का इनका किस प्रकार का जो है काम था। क्योंकि कहते हैं कि जो बचपन में आदमी करता है वही भविष्य में बनता है, कुछ ऐसे भी जो है देखने को मिलता है। तो पुनः स्वागत है, आप थोड़ा सा बताएंगे सर अपना पूरा परिचय। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले मेरा आपके इस पेज की सभी जनता को मेरा तहे दिल से नमन, सच नमन मेरा सभी को। मैं कमलकांत राणा, बेसिकली रामपुर शहर के एक छोटे से गांव, मेरा जो एरिया आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, चकलोट गांव बोलते हैं, मेरा जो एरिया आता है निर्मल तहसील में आता है ये। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, सोशल मीडिया पर मुझे सभी राणा द वाइपर के नाम से जानते हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आप सभी को। काफी सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पीछे ये जो नाम लगा हुआ है राणा, राणा के पीछे जो नाम लगा हुआ है द वाइपर, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो द वाइपर है, मैं रैंडी ऑर्टन का सबसे बड़ा फैन हूं और मुझे जो प्रेरणा मिली है वो मुझे उन्हीं से मिली है। WWE के जो रेसलर है द वाइपर, रैंडी ऑर्टन, रैंडी कैथ ऑर्टन, RKO नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो उनसे ही मैं प्रेरित हुआ उस टाइम से। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा जो एजुकेशन है, मैंने मास्टरी की हुई है इंग्लिश में, मेरी MA हुई है, वो मेरी रामपुर बुशहर से हुई है, PG कॉलेज से। तो इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा अभी कि किस तरह मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में गांव का पहला घरेलू जिम बनाया हुआ है। तो बाकी आप सभी वो देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, आप सभी विजिट करके देख सकते हैं, राणा द वाइपर आपको सर्च करना है, आप देख सकते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई सबसे। तो युवाओं के लिए आपने जो है आपने ये भी बताया कि मैं भी आपसे पूछने वाला था कि द वाइपर का मतलब क्या है। तो आपने बताया कि WWE जो रेसलर के जो है उनके आदर्श को देखकर जो आप जो अपना नाम जो है द वाइपर लगाया। तो चलिए बधाई आपके लिए वाइपर, और आप आगे से आगे यूं ही बढ़ते रहे और आपकी प्रेरणा युवाओं तक, बच्चों तक जाता रहे। क्योंकि जिम जो है एक किसी एक कहते ना कि ये जो बचपन से लेकर किसी भी अवस्था तक जिम कर सकते हैं, तो सबके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हो। और खासकर तो चलिए आप ये बताएंगे कि अभी आपकी एज कितनी है सर, बताएंगे आप? सर अभी मेरी जो एज है, अभी 28 का होने वाला हूँ सर, मैं 27 तो रनिंग है सर अभी। लगभग कितने सालों से आप जो है जिम का जो चला रहे हो गांव में, और कितने जी साल सर, लगे आपको ये जो बनाने में, एक एक चीज डंबल बनाने में, आपको हनुमान का गदा बनाने में, ऐसे बनाने में कितने साल लगे? क्या घर वालों से भी, तो घर वालों ने भी कई बार मजाक किया होगा कि यार ये कर क्या रहा है तू, है ना, ड्रामा बना के रखा हुआ है जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं सर। मेरी जो क्या बोलते, मुझे जो शौक चढ़ा सर, सबसे पहले तो मैं वही बताना चाहूंगा, मतलब जिस टाइम मैं मैट्रिक में था सर, तो उसी टाइम से मेरे अंदर एक शौक जागा। मैं क्या बोलते, रेसलिंग देखता था मैं, तो रैंडी ऑर्टन मेरा क्या बोलते उसको मैं फॉलो करता था मैं उस टाइम, ऐसे ही देखते रहते थे, तो मैं भी सोचता था कि मैं इनकी तरह बनूं। चलो उनकी तरह तो नहीं बन सके, पर फिर मेरे अंदर एक ऐसा जोश आया कि मैं भी
एक खुद की बॉडी बनाऊं। तो इसके बाद मैंने क्या किया, अपने घर पर जैसे जैसे मेरे जो डंबल वगैरह है, मैंने सोचा क्यों ना, मेरी थोड़ी फाइनेंशियली मेरी थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैं जिम वगैरह ये चीजें मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में, हमारे हिमाचल की जो जबल होती है जिससे हम खुदाई करते हैं, वो मैंने वीडियो में भी बताई थी, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो उसी चीज से हुई थी, और आज भी मैं उस चीज को यूज कर रहा हूँ अपने जिम में, मैं आज भी उस चीज को यूज कर रहा हूँ। बहुत खूब। देखिए, अगर आदमी में, इंसान में लगन हो तो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि हर आदमी में अब अपने शौक होते हैं। तो आपको एक जिम का शुरुआती दौर आपने बताया कि दिक्कतें थी और जो है कुछ जो है होता ना, मनी प्रॉब्लम थी, इस प्रकार से जी आप जो है उस बिल्कुल प्रकार का जिम लेकिन आपने यहाँ पर अब बगैर उसका जो एक कारनामा करके दिखाया है। तो जी इसके लिए तो आप बहुत बहुत जो है प्रेरणा के स्रोत भी हो और युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन भी हो। लेकिन लगभग कितने साल लगे एक एक चीज को संजोने के लिए जो आपने अभी बनाए थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा सर, अभी एक एक चीज बताऊंगा सर। मैट्रिक में मैं 2010 में था सर, तो 2010 से अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए, अभी तक मुझे 12-13 साल हो रहे हैं मुझे अभी, मतलब कंटिन्यू मैं उस टाइम से, बीच में 2012-13 उस टाइम मेरी क्या बोलते सर्जरी भी हुई थी, कॉलेज टाइम में हुई थी, वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था मेरा। तो जिस टाइम मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा, मतलब मेरी जो बॉडी है कि वो खराब हो चुकी है। आपको पता ही है सर, जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है पेट पूरी तरह बिल्कुल खराब हो जाता है, पर उसके बाद मेरे अंदर जो जुनून बढ़ा वो उसके बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ा कि मैं इस चीज को कैसे भी करूंगा। मुझे सबसे जो मेन बात थी सर, मैं क्या बोलते बचपन से, मतलब जैसे मैट्रिक से जब से मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो उस टाइम से मैं अपने जो एब्स है, सिक्स पैक्स जो एब्स होते हैं, मतलब मैं नहीं चाहता था कि कभी मेरा पेट आगे आए, तो वो चीज मेरा बिल्कुल, वो मैंने वीडियो भी डाली है, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ऑपरेशन के बाद मैंने अपनी बॉडी कैसे बनाई, मैंने सब कुछ अपना यूट्यूब पर डाला हुआ है, एक एक चीज मैंने डाली हुई है। उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा जुनून आया बॉडी बनाना कि मुझे ये बॉडी बनानी है। तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू, मतलब डेली की मेरी जो प्रैक्टिस है, फिर वो मुझे आदत ही बन गई है, आज के टाइम में मैं बिल्कुल आदी हो चुका हूँ, बिल्कुल नशा है मुझे इस चीज का। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। एक नशा, और ये बेहतर स्वास्थ्य के लिए नशा है और कोई अलग से नशा नहीं है और बेहतरीन नशा है। तो आपका जब आपका ऑपरेशन हुआ था तो ऑपरेशन के बाद कट लगता है, तो जब आप एप्स बनाने के लिए काम कर रहे थे या फिर अपने शरीर को जो उस प्रकार में ढाल रहे थे, तो उस समय खिंचाव होते समय आपको पेन होती या नहीं हो रही थी? कुछ इस पर आप बिल्कुल, बताएं। यहाँ पर मैं एक और बात भी शेयर करना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे हैं कि पेन होती थी सर, मुझे पेन होती थी, और स्टार्टिंग में यहाँ पर ये मैं उन लोगों के लिए भी बात बताना चाहूंगा जो लोग मोटे लोग हैं, आप मेरे YouTube चैनल को एक बार विजिट करें और देखें मेरी कंडीशन की, उस टाइम मेरी कंडीशन कैसी थी। सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे पेन होती थी, पर मैंने उस पेन को फील नहीं किया, मैं मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि मुझे वो एप्स बनाने हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने धीरे, मैंने सबसे पहले एक रस्सी पकड़ी और फिर मैं डेली जंपिंग करता था, रोप जंपिंग, और फिर धीरे धीरे मैं रनिंग करने लगा, फिर कार्डियो वाली एक्सरसाइज हल्की हल्की डेली का वॉक करने लगा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली, मतलब डेली की जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस चलती गई, तो उसके बाद फिर मेरे डंबल वगैरह जो भी है उस चीज को मैं फिर अप्लाई किया सर। जी, आपकी जी बॉडी को देखकर एक रेसलर की तरह लगता है। तो क्या इसके लिए आपने खाली जिम से ही बनाया या फिर कोई दवाई भी उपयोग किया है? बिल्कुल नहीं सर, आज तक मैंने ना ही कोई सप्लीमेंट लिया है, ऐसा कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया सर, जैसे क्या बोलते हैं लेते हैं सर जिम में जो स्पेशली मिलते हैं सर, आज तक मैंने ऐसा कोई भी अप्लाई नहीं किया, सारी जितनी भी इस बॉडी पर मैं आज तक यूज किया हूँ सारी घरेलू चीजें यूज किया हूँ सर, नेचुरल चीजें, नेचुरल जी, डाइट, घर आपके का खाना जो भी है आपके सर। बॉडी आपके जैसे एक महिलाएं अपने अपने जो है शरीर का श्रृंगार के लिए डेली आपका आधा घंटा या शाम को जो है आधा घंटा सुबह शाम लगाती है, वैसे ही अब आपको भी अपने बॉडी को देखना है। तो ऐसे में आप जो है तो इसके लिए क्या क्या देख रेख करते हैं इसी प्रकार का मेंट रखने के लिए? खान पान से लेकर कितना घंटा आप जिम करते हैं? जिम करने के बाद, जिम से पहले आपका खान पान कैसा है, जिम के बाद का खान पान कैसा है, लंच में कैसा है और डिनर में कैसा है, इस पर जरूर आप बताएं। जी जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो मेरा मॉर्निंग का जो शेड्यूल रहता है, जैसे मैं सोकर उठता हूँ, सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ, पानी पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो लोग मोटे लोग हैं,
जितना वो ज्यादा पानी पिएंगे उतने उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी, एक अच्छी बॉडी रहेगी। और साथ ही साथ यदि आप उसमें वाटर नींबू पानी का यदि आप यूज करते हैं वो काफी अच्छी बात है, वो यदि आप उसको यूज करना चाहते हैं मोटे लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो उससे हमारी बॉडी की जो गंदगी जो गई होती है अंदर, वो डिटॉक्स होती है उस चीज से। और इसके बाद जैसे मैं मॉर्निंग का मेरा जो मील रहता है, फर्स्ट जो मेरा मील रहता है, तो वहां पर जैसे सबसे पहले मैं कभी दूध लेता हूँ, मतलब जो जो चीजें मिल पाती है, कभी जैसे दूध मिल रहा है, रोटी मिल रही है, उस चीज को मैं लूंगा। एक गिलास दूध हो गया, दो रोटी हो गई, और उसके साथ जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, इस चीज को मैं लेता हूँ, या कभी सब्जी बनी है तो उस चीज को भी मैं लेता हूँ। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्पेशली यूथ के लिए, एक ऑट्स भी लेता हूँ मैं, और एक आज के टाइम में मैं एक प्रोटीन का ये यूज कर रहा हूँ। वो प्रोटीन ऐसा कोई पाउडर नहीं है, वो ऑट्स की तरह आता है, तो यदि आप भी उसे लेना चाहते हैं आप देख सकते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर रहे हैं, उसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा जो खाने में रहता है, जैसे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, मतलब जैसे जैसे मुझे जो चीजें मिलती है उसी चीज को मैं अफोर्ड करता हूँ। और जैसे लंच टाइम हो गया, कभी घर में जैसे लस्सी लस्सी बनी है तो उस चीज को भी मैं लेता हूँ, रोटियां वगैरह, मतलब एक सिंपल सा ये है सर मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिनर डिनर को थोड़ा ऐसा करता हूँ मैं, जैसे और उन लोगों के लिए भी बताना चाहूंगा मैं, जो लोग मोटे लोग हैं, रात को हमेशा आप लाइट डिनर करें, और हो सके तो उसमें थोड़ा आपका चावल की मात्रा वो कम करें, और आपकी रोटी, मतलब एक डिनर आपका बिल्कुल लाइट रहना चाहिए। तो इस तरह मैं अपनी डेली के रूटीन को फॉलो करता हूँ। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो भी डाली थी, आप सभी उसे विजिट करके देख सकते हैं, अ डे इन माई लाइफ का, वो पूरे दिन का व्लॉग है मेरा, कि पूरे दिन की मेरी एक्टिविटीज कैसे रहती है, आप वहां पर देख सकते हैं। बाकी जी, परहेज खानों में जैसे आपने कहा कि आपका जो मिलता है उस प्रकार से आप खाते हैं, उसमें कोई जो है मनाही नहीं है, लेकिन कुछ खाने में जी परहेज भी होता है जो आपको इफेक्ट करता हो, जैसे खट्टा मीठा, इस पर आप थोड़ा सा बताएं। जी सर, यहाँ पर मैं फरेज की जैसे बातें बताना चाहूंगा, जैसे ऑयली जो चीजें होती हैं इन चीजों को मैं अवॉइड करता हूँ, और जैसे शुगर वगैरह हो गया, चीनी की जगह मैं गुड़ का यूज करता हूँ, क्योंकि वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम चीनी ज्यादा यूज करेंगे अपनी बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप हमारी बॉडी में मोटापा जाता है। जी, जी सर, युवा पीढ़ी और कुछ हमारे घर में या वृद्ध है या महिलाएं हैं तो चाय ज्यादा पीते हैं, तो आप आपके जो अगर फिटनेस रखना चाहते तो क्या चाय जो है लाभदायक है, इस पर जरूर बताएं। जी सर बिल्कुल बताना चाहूंगा सर मैं आपके लिए। जैसे हमारी जो चाय, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती वाली वही हिमाचल में मैक्सिमम वही पीते हैं, तो वो चीज हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। उस चीज की जगह हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपने दूध लिया है, उसमें आप हल्की सी आपने कॉफी पाउडर डाल दिया, और उसमें आपको एक चीज ऐड करनी है, यदि आप चाय के आदी है, उसमें आपको क्या करना है, आपके जो चीनी का जो जैसे आप चीनी लेते हैं उस वो चीज आपने नहीं लेनी है, चीनी की जगह आपने गुड़ लेनी है, तब आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी रहेगा वो, उसे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इस चीज को मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ सर। जी, आपने एक गधा बनाया था, वो एक जो सीमेंटेड का, तो आप ये बताएंगे कि इसके लिए जैसे रोड़ी हो गया, रेता हो गया जो लाते हैं, तो इसके लिए आप खुद खुद ने मेहनत किया कि घर वालों की मदद की? घर वालों ने भी हेल्प किया सर, मम्मी पापा, मतलब जब कभी हम जैसे घर में कुछ काम चला होता है या कभी ऐसे थोड़ा काम हो जाता है, तो मम्मी पापा सभी ने मेरी हेल्प की है, भाई बहन सभी मतलब मेरी हेल्प करते आए। ऐसा नहीं है सर कि मैं अकेले ही करता हूँ, पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं जैसे मेरी शुरुआत हुई थी, जिस टाइम मेरे मन में ये बातें आई थी कि मुझे ये चीज बनानी है, तो उस टाइम मैं अकेले बनाता था सर। डंबल वगैरह मैंने स्टार्टिंग में जो बनाए थे, वो दो तीन डंबल बनाए थे मैंने स्टार्टिंग में, एक चेस्ट के लिए बनाया था। तो लगभग लगभग आपके पास जो भी इक्विपमेंट है वो जो है अत्याधुनिक तकनीकी से नहीं बनाया, आपने जो है एक संजो कर बनाया हुआ, तो उसके लिए कितना समय लगा? और एक एक करके नाम बताएंगे कि क्या क्या चीज जो है आपने, जैसे पुश के लिए, हाथों के लिए, पैरों के जी लिए, जी चेस्ट के बिल्कुल लिए, बिल्कुल क्या क्या बनाए आप? जी सर बिल्कुल। मैंने जो चीजें मैंने बनाई हुई है, जैसे मेरे पास सबसे पहले तो जैसे मैं मसल के लिए हो गया, इस चीजों के लिए मैंने डंबल का
जो वेट बनाया हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट बनाया हुआ है, जैसे 5 केजी का अलग हो गया, 10 केजी का अलग हो गया, 15 केजी का अलग हो गया, और एक 20 केजी का भी है। तो अलग अलग सेट के लिए वो अलग अलग मैंने बनाए हैं। और जैसे चेस्ट के लिए हो गया, बेंच जो प्रेस करते हैं जिम में जो एक्सरसाइज होती है उसके लिए मैंने अलग अलग वेट बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे मेरा हनुमान का जो गद्दा हो गया, उस चीज को मैं, वो भी मैंने काफी मेहनत से बनाया है। मैंने वो भी उस चीज को, मैं काफी सारी एक्सरसाइज उससे होती है, जो लोग मोटे हैं उनके लिए भी वो काफी अच्छी है, या मसल बिल्ड कोई करना चाहता है, आज का युवा यदि कोई करना चाहता है, वो सिर्फ घुमाना ही होता है, वो इस तरह घुमाना होता है और उठक बैठक होती है उससे, तो काफी अच्छे फायदे हैं उसके। और इसके साथ साथ जैसे सिलेंडर वगैरह आपने देखे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने देखे होंगे, सिलेंडर वगैरह इन चीजों को भी मैं यूज करता हूँ। और जैसे मेरी रस्सी होगी उस चीज को भी मैं यूज करता हूँ, रस्सी को मैं तब यूज करता हूँ जैसे मेरी कार्डियो की जो एक्सरसाइज होगी, जैसे रोप जंपिंग वगैरह होगी, उस चीज के लिए मैं उन चीजों को यूज करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे घर पर आपने देखे होंगे, बॉटल पर मैं बैलेंसिंग करता हूँ, वो मैं तभी करता हूँ, उससे क्या होता है हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल हम फोकस कर पाते हैं उस चीज के लिए। ये चीज मैंने, भारत की एक पुरानी मार्शल आर्ट है सर, उस चीज से मैं ये चीजें सीख रहा हूँ सर। हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल के वाइपर के नाम से सुप्रसिद्ध हमारे कमल कांत राणा जी, जो हमारे हिमाचल से और रामपुर से, शिमला से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने अपने जो है अपने ही द्वारा जो है इन्होंने जो है एक बेहतरीन जिम का जो है इन्होंने निर्माण किया है। उसमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट है अपने हाथों से बनाए हैं। तो स्पेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जब भी हमारे किनारा तकवीर से जुड़ती है तो सबसे पहले आप जो है इसे शेयर कीजिए। चलिए हम और भी गतिविधियां हमारे अतिथि से जानते हैं। जी सर, अब आप जो है गांव तो आपका तो गांव का अनोखा जिम है, ये अलग बात है। अब ये आएगा कि इंडिया का अनोखा जिम, भारत का अनोखा जिम हमारे हिमाचल में, तो ये इस लेवल पर आप गए हो। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके जिम में बहुत सारे लोग आते होंगे, तो क्या आपने कोई फीस रखा है? जैसे कि समय तो निकालना पड़ता है आदमी को, आज के टाइम में ऐसा है कि पेट भी कमाना है, रोटी भी कमाना है, तो आप इसके लिए कोई निश्चित और शुल्क रखा है कि जो बाजार से कम हो और जो है उसका फिटनेस भी बना रहे, तो इस पर जरूर आप प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया अभी कि मैंने कोई फीस वगैरह रखी हुई है, मेरा जो यहाँ पर अभी तक जो भी आया सर, मैंने किसी से कोई फीस नहीं लिया है और ना ही मैं लूंगा। ये मेरा एक खुद का ये है सर, इन फ्यूचर भी मेरी एक ऐसी सोच है सर कि मैं यदि कोई जिम ऐसे ओपन करूंगा तो सर वहां पर मैं सभी को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा सर। जी बहुत खूब, लेकिन समय निकालना पड़ता है, समय आपको देना समय पड़ेगा, तो निकाल उसके लिए या फिर आप जो है उनको उनको दे देंगे, उनको समर्पित कर देंगे, जाओ खुद ही कर लो खुद ही। ये अगर आप समय निकालते तो आपको चार्ज तो लेना पड़ेगा ना, पूरे पूरे घंटे महीना आपका व्यतीत होता है, तो इस पर थोड़ा सा आपने कभी सोचा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने सोचा है सर इस बात पे सर। वहां पर मैं किसी को ट्रेन कर सकता हूँ सर, उसको उसके लिए मैं थोड़ी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, फिर वहां पर वो अच्छे से ट्रेन कर सकता है, उसके लिए भले मुझे अपने जेब से देनी पड़े वो चीज मैं करूंगा सर, पर मैं कभी यूथ से कभी पैसा नहीं लूंगा सर, ये मेरी खुद की एक सोच है सर। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बेहतरीन, यूथ से आप पैसे नहीं लेंगे और युवाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन आपने। अब आपका यहाँ पर आया कि मार्शल आर्ट से संबंधित आपका जो है, आप मार्शल आर्ट भी सीखा है और आप महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हमारे जो बेटियों के लिए जो आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो इसमें आप कितने उम्र के तक के बच्चों को आप लेते हो? सर इसमें जैसे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो सेल्फ डिफेंस की ये जो ट्रेनिंग है, सेल्फ डिफेंस जरूरी नहीं है कि ये लड़कियों के लिए जरूरी सर। आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, आपने वीडियोस देखी होंगी कि काफी सारे आज के समय में जो बच्चे भी है, मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं, प्लस 2 लेवल के बच्चे हैं, उनमें भी ये चीजें होती है कि लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये जो चीजें हैं ये एक छोटे लेवल से, जैसे 6 क्लास से लेकर या थर्ड थर्ड फोर्थ क्लास से लेकर, वो सभी इस चीज में आते हैं, या कॉलेज लेवल के हो गए वो सभी हो गए, मैं उन सभी के लिए ये ट्रेनिंग देना चाहूंगा। अभी मैं इसके कैंप लगाऊंगा, वो स्कूल बाय स्कूल लगाऊंगा और कॉलेज बाय कॉलेज लगाऊंगा, ये मेरी एक सोच है सर। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एज का इसमें कोई लिमिट है, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस की ये जो चीजें हैं ये हम सभी के लिए भी जरूरी है। मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है,
तो वो चीजें मार्शल आर्ट की, वो जो चीजें हैं वो काफी अच्छी चीजें हैं, वो एक सिंपल सी चीजें हैं, वो चीजें हमें करनी है। उस पर मैंने एक स्पीच भी दी थी अभी हाल ही में, आप उसे भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, काफी अच्छी अच्छी टेक्निक बताई हुई है मैंने वहां पर। जी बहुत बेहतरीन। तो दर्शकों से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे जो अतिथि है कमलकांत राणा जी, जिनका यूट्यूब चैनल है द वाइपर, उनको जरूर जो है राणा सब राणा द वाइपर, तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो सर, आपने नशा छोड़ो और बॉडी बनाओ एक अभियान चलाया हुआ है, नशा छोड़ो बॉडी बनाओ अभियान, जिसके तहत आप युवाओं को निःशुल्क जो है सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसके जी लिए जी आपको किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है? क्या आपका खुद का अपना ही ये सोच है, या फिर अन्य लोगों भी आपके साथ इस अभियान में जुड़ रहे हैं, जैसे आपके पंचायत हो गए, मोहल्ले हो गए, आपके गांव वाले हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, तो किन किन का सहयोग मिल रहा है इसमें नशा छोड़ो बॉडी बनाओ अभियान में? जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये तो मेरी एक खुद की सोच बनी हुई है सर। स्टार्टिंग में जैसे ही मैं सोशल मीडिया पे आया था सर, मतलब जैसे मेरी सर्जरी हुई थी तो उसके बाद में काफी टाइम बाद मैं सोशल मीडिया पे आया था, तो उसके बाद मतलब ये मेरी खुद की एक सोच बनी हुई थी कि मुझे जो है युवाओं को एक नशे से दूर होके फिटनेस की गतिविधियों में कैसे भी डालना है, मतलब उनके लिए एक मैसेज देना है सर। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुझे इसमें किसी का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें फिलहाल मुझे पुलिस प्रशासन का भी वैसे काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सर, मतलब जो भी मेरे कांटेक्ट में है सर, जो भी है, और सोसाइटी में लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने काफी सारे ग्रुप भी बनाए, तो खुद के दम पर जितना मैं करना चाह जितना मुझसे होगा मैं वो चीज करूंगा सर। बाकी मेरी एक कोशिश है सर, यहाँ पर मैं सभी लोगों के लिए बताना चाहूंगा आपके इस पेज के माध्यम से, कि जैसे आज के समय में ये जो नशा है इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं। चलो भले हम इसे खत्म ना कर सके पर हम इसके लिए कुछ तो कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कदम उठाए, यदि मेरे जैसे 100 युवा पूरे हिमाचल प्रदेश में, यदि एक एक युवा भी आगे आएगा तो हमारा हिमाचल कहाँ से कहाँ जाएगा। तो इसमें हम सभी को आगे आने की जरूरत है, स्पेशली यूथ को जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आज के समय में युवा नशे से बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा माताओं बहनों को, वो सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम सभी को मिलजुल कर इस नशे को हम खत्म कर सकते हैं। जी सर, आपके आपके जो मैंने वीडियो देखा और आप अभी बैठे हो, तो तिरंगा आपके साथ साथ चलता है, तो इसका कोई मैसेज है क्या? जी सर, ये जो तिरंगा है सर, ये मेरा सबसे पहले तो मेरी जान और मेरी शान यही है सर, ये जो तिरंगा है सर, इसका मैसेज ये जाता है सर कि मैं पूरे अपने देश को एक मैसेज देना चाहता हूं कि नशे से दूर हो और फिटनेस की गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, और हमारे इस तिरंगे को हमेशा ऊंचाई पर रखें और अपने साथ रखें। जी, भविष्य जी में आपके आपके भविष्य सर, वर्तमान में जिम के साथ साथ और कौन सी योजनाएं हैं, जैसे जॉब हो गया या फिर शादी का हो सर, गया, कोई ऐसा अभी आपने प्लानिंग जो भविष्य में आपने बनाया हो? जी सर, जी सर, अभी फिलहाल मैं स्टडी कर रहा हूँ सर, अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सर, तो मैं अभी उसी चीज में 2-3 साल में मैं अभी उसी में बिजी होऊंगा सर। अच्छा राणा सर, एक चीज और ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और सच बताना, कि जब आप ये जो आप इक्विपमेंट बना रहे थे, तो घर वालों से कितनी गालियां सुनी? घर वालों से मैंने बहुत गालियां सुनी है सर, ये क्या बना रहा है, ये क्या चीजें बन रही है, ये क्या है, मतलब उस चीज के लिए ना तो कोई इम्पोर्टेंस मिलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था सर, मतलब और हंसते अभी थे आपने जी अभी बार बार, आपने इतना बहुत लोग जी हंसते जी भी है इस चीज। जी, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, जिसमें आपने तिरंगा का भी उपयोग किया हुआ है और बहुत बेहतरीन आपने हर चीज बनाया हुआ। तो सबसे ज्यादा डांट किससे मिलता था, पिताजी से या माताजी से? मम्मी से मिलता था सर, क्योंकि डांट तो नहीं होती सर, वो भी एक प्यार होता है सर, उनका हमारे प्रति एक प्यार होता है सर, वो इसीलिए क्योंकि वो भी हमारे फ्यूचर के प्रति अवेयर है सर, वो भी चाहते कि हम कुछ आगे, इतनी हमने एजुकेशन ली हुई है कि हमारा बेटा अच्छा करे कुछ, वो एक डांट नहीं होती, वो एक प्यार ही समझूंगा सर, वो मैं डांट नहीं है सर वो मेरे लिए। अब आपके पास बहुत सारे जैसे अवार्ड है, बहुत सारे आपके जो है चहेते हैं, आपका नाम है हिमाचल के अंदर में बना हुआ, तो अब मदर फादर की क्या वो रहती है आपके प्रति?
आज के समय में, यदि मैं आज के समय की बात करूं तो सर मम्मी पापा को भी काफी अच्छा लगता है आज के समय में। आप वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूंगा, मेरे मम्मी पापा का, मैंने पूरी फैमिली का एक वीडियो डाला हुआ है वर्कआउट मोटिवेशन, कि सभी को एक मैसेज आए कि हम सभी फिट रह सकते हैं। और आज के समय में मेरे मम्मी पापा भी मुझसे काफी ज्यादा प्रसन्न है, काफी अच्छा लगता है उन्हें भी आज के समय में, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे भाई बहन सभी वीडियोस देखते हैं सर, काफी अच्छा लगता है, यानी कि उन्हें भी एक प्राउड सा फील होता है, उनके अंदर जो खुशी होती है सर आज के समय में। जब जब हम जिम करते हैं तो एक अलग से डाइट रखते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें इतना अंडे खाना है सुबह शाम, तो ये अंडे का मैं तो बताएंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात मैं बताना चाहूंगा, आज तक मैंने वो चीजें कभी फॉलो नहीं की सर। एक स्पेशल जो डाइट होता है सर, जिम का जो डाइट होता है, वो मैंने आज तक कभी फॉलो नहीं की सर। मेरा जो भी चलता आ रहा है वो बिल्कुल नेचुरली, जैसे 3 टाइम तो मेरा ऐसा है कि फिक्स टाइम बना हुआ है सर खाने का, सुबह और दोपहर और रात के टाइम सर, और बीच में मैं कभी स्नैक्स वगैरह लेता हूँ, 1-2 बार लेता हूँ सर, वो भी कभी यदि मिले, यदि ना मिले तो ऐसे सर, पर 3 टाइम ऐसा है कि वो फिक्स टाइम है सर। तो यहाँ आपने देखा दर्शकों ने कि किस प्रकार से एक अनोखा जिम है, और यहाँ डाइट भी उस प्रकार का नहीं है जैसे आम जिम वाले बोलते हैं कि आपको इतना दूध लेना है, इतना केला खाना है, इतना अंडे खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव के अनुसार ही, जैसे गांव का जिम है अनोखा और गांव का डाइट के अनुसार जो गांव में उपलब्ध होता है, जैसे घर बिल्कुल में उस प्रकार से आपको जो है खाना है, और ज्यादा इतना इतना अपने आप को नहीं सोचना। लेकिन इन्होंने कुछ एक अलग से टिप्स बताया, कुछ अलग से ओट है, उसके बारे में ये अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते होंगे कि उसको जरूर लें। तो उसे क्या जी दूध के बिल्कुल। साथ लेना है या फिर किसी अन्य चीज के साथ, दूध के साथ कौन सी चीज़ सर? जो आपने एक न्यूट्रिशन बताया? जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे कोई फ्रूट्स लेना है, जैसे केला हो गया, उस चीज को फ्रूट्स दूध के साथ ले सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। यदि कोई पतला भी है तो उसके लिए वो काफी अच्छा रहेगा, वो उसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो है मसल डेवलप होगा अंदर से, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी बॉडी अच्छे से बिल्डअप होगी। या कोई भी फ्रूट्स हो गए, जरूरी नहीं है कि केला ही लेना है, कोई भी फ्रूट्स हो गया। जी बहुत बहुत बेहतरीन। युवाओं के लिए कोई बेहतरीन मैसेज आपकी ओर से सर, जो हमारे हिमाचल के युवाओं के लिए, खासकर जो आजकल जैसे आपने देखा चिट्टा चिट्टा का बहुत एक बना हुआ है, चिट्टा आदि नशे आदि में, उनके लिए कोई ऐसे मैसेज, और उनके जो परिवारों के लिए भी कोई, क्योंकि बच्चा नशा करता है तो परिवार का ही एक फर्ज बनता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही सर। ये आज के समय में स्पेशली मैं युवाओं को तो सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूंगा, उन युवाओं को जो लोग नशे में डूब चुके हैं, कृपया मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी उस नशे को टाइम पर छोड़ दें, क्योंकि उससे आपकी बॉडी का सर्वनाश हो रहा है और आपकी फैमिली आपसे कितनी दुख में होगी वो आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर सर हमारे पास एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है सर, हमारे पास वो नशा छोड़ने का प्रोडक्ट है सर, वो बी लाइफ का प्रोडक्ट आता है सर, तो उस चीज को भी अभी 2-3 महीने हुए सर मुझे वो कंपनी ज्वाइन करके, तो मतलब अभी तक दिए तो नहीं है सर मैंने किसी को, अभी मैं काम कर रहा हूँ सर, अभी डील करने वाला हूँ सर मैं उसका सर। बहुत खूब। मेरी एज 50 साल की है और मेरे उम्र के काफी लोग होंगे जो जी थोड़ी सी मैं बताता हूँ। इस उम्र में मैंने अपना वेट कम करना है, अपना पेट कम करना है, तो शुरुआती दौर कौन सा मुझे जिम करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सर मेन जो रहता है हमारा, हमारी बॉडी के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है सर। सबसे पहले आपका जो एक्सरसाइज हो गया, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और दूसरा आपका नींद लेना, और तीसरी आपकी डाइट। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो मेन रोल रहेगा हमारा वो होता है हमारा डाइट। मैक्सिमम लोगों का जो डाइट प्लान बना होता है, खाने का जो शेड्यूल बना होता है, यदि किसी से मैं पूछता हूँ, मैक्सिमम लोगों से मैं ऐसे पूछता रहता हूँ सर, तो मैक्सिमम लोगों का ये सवाल आता है कि मैं 5 रोटी खाता हूँ, मैं 6 रोटी खाता हूँ, या लंच में हो गया मैं सुबह इतनी रोटी खाता हूँ, और फिर भी वो खाना उनकी बॉडी में नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए, सभी के लिए कहना चाहूंगा मैं, हमारा जो खाना होता है हमें बार बार लेना चाहिए। बार बार लेने का मेरा जो मतलब है, जैसे आप एक बार 6 चपाती आप जो ले रहे हैं, वो आपको 6 नहीं लेनी है, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 2 या 3 चपाती आपको लेनी है। और साथ ही साथ यदि आप यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में वो खाना भी बिल्कुल अच्छे से लगेगा, हमारी बॉडी में बिल्कुल अच्छे से
लगता है वो खाना। और स्पेशली मैं आपकी एज के लोगों के लिए कहना चाहूंगा, हमारे माता पिता जो भी है उन सभी के लिए कहना चाहूंगा मैं कि आप सभी हल्की हल्की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पर आपका योगा हो गया, आपका कुछ भी हो गया, मैंने इस पर स्पेशल एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि शुरुआत में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जरूरी नहीं है कि आपको हमारी तरह से डंबल वगैरह तो आप नहीं उठा सकते, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे पुशअप वगैरह हो गए या रस्सी कूदना हो गया, मतलब कोई भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, या आप कोई खेल खेल रहे हैं जैसे बैडमिंटन वगैरह हो गया, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी आती है वो भी, या वॉकिंग हो गई, हल्का हल्का सा वॉक कर सकते हैं, सीढ़ियों में वॉक कर सकते हैं, तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। और डाइट का आपका मेन रोल रहता है, आपको अपना खाना थोड़ा डिवाइड करना है, एक बार आपको इतना खाना नहीं डालना है अपनी बॉडी में, नहीं तो वो अंदर ऐसे जमा हो जाएगा, वो अंदर से ही हमारे सिस्टम को खराब करता है। कि बहुत खूब राणा सर, आपने ऑयली चीजों का यहाँ जिक्र किया है, तो ऑयली चीजों में बहुत परहेज कहा है, लेकिन घी, कहते कि घी जो बॉडी को मसल करता है, तो जी ये इसे हमें कितना लेना है, क्या इसे भी नहीं लेना है हमें अपने भोजन में? जी बिल्कुल सर, घी पर मैं बात बताना चाहूंगा, मैं खुद भी घी लेता हूँ सर, मेरे घर में गाय है सर, तो उस चीज को मैं भी लेता आ रहा हूँ। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी या आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो वो काफी अच्छा रहेगा वो आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें एक हेल्दी फैट भी होता है, काफी अच्छा है वो हमारी बॉडी के लिए। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपकी बॉडी को खराब कर देगा, उसे आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, या वीकली 2-3 बार हो गया, या 2 बार हो गया ज्यादा से ज्यादा। यदि यदि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारी बॉडी में मोटापा आएगा, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो मतलब आपको उसी हिसाब से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज अवॉइड करनी है। जी, शराब और जिम, ये इन दोनों का तालमेल अगर थोड़ा सा बताएंगे, जैसे मैं जो है शाम को 2-3 पैग लगाता हूँ और रोजाना जो है मैं सुबह जिम करता हूँ, तो ये कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान है? ये पूरी तरह जैसे 2-3 पैक की ये जो बात आती है सर, पूरी तरह इसे कोई भी बता सकते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर का हमारा जो सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, और एक तरफ से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस चीज से हमारी बॉडी का वो जो सिस्टम है ना, हम कभी हमारी बॉडी का मसल डेवलप होगा ना, हमारा वेट गेन बढ़ेगा, ये कोई भी चीजें नहीं होगी उस समय, तो उस चीज को हमें अवॉइड ही करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन सर, आपने हमारे किन्नौर अब तक पेज में बहुत बेहतरीन विषयों को आपने बताया। तो अंतिम जाते जाते कोई ऐसा आप मैसेज और जो हमारे किन्नौर के, हिमाचल के युवाओं के लिए देना पड़ता है, और बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा मैसेज हो? जी सर, मैं सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, बड़ों से लेकर हमारे यूथ से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा एक छोटा सा। यदि मैं फिट रह रहा हूं तो आप सभी भी, हमारे माता पिता भाई बहन कोई भी हो, बुजुर्ग कोई भी हो, अपने डेली के रूटीन में सबसे पहले अपनी डाइट उसको थोड़ा इंप्रूव करें। जैसे मैं अभी आपके साथ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी इन बातों को आगे शेयर करें ताकि हमारे माता पिता वो भी अच्छे रहे, सभी स्वस्थ रहे, उनसे भी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, कुछ भी करवाएं, ऐसे वॉकिंग वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जिए वो भी। आपने एक और एक जिक्र किया था, अच्छी नींद लें, और एक जो जिम करना चाह रहा है तो उसके लिए समय, जो प्रातः का समय कितने बजे से कितने बजे तक सही रहता है? यहाँ पर मैं बात बताना चाहूंगा सर, जैसे अच्छी जो नींद होती है वो 8 घंटे की नींद तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि यदि हम वो प्रॉपर वो नींद नहीं मिलेगी हमारी बॉडी के लिए, तो फिर हम चाहे आप वेट गेन कर रहे हैं या कोई पतला है, वो मोटा नहीं हो सकता है वो, क्योंकि हमारी बॉडी के जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं होंगे। हमारी बॉडी एक मशीनरी है, तो उसके लिए हर एक चीज चाहिए, उसके लिए एक डाइट वो भी चाहिए, और एक्सरसाइज वो भी चाहिए, और आपका रेस्ट, आपकी जो स्लीप है, नींद है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है वो। और सुबह मॉर्निंग में यदि किसी की फिजिकल एक्टिविटी में आदत पड़ जाती है तो काफी अच्छी बात है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि आप एक अच्छी आदत डालें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। जी जैसे सर आपने एक हरा भरा और बिल्कुल बेहतरीन जिम बनाया है जो गांव के हिसाब से, और जो है अपने बॉडी को बनाने के लिए बहुत बेहतरीन कम खर्चे में, अगर इसकी बनाने की विधि आपसे कोई सीखना चाहे तो इसके लिए आप क्या उनके लिए
कोई समय निकालेंगे? जी बिल्कुल। उसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि मैंने अपना जिम कैसे कैसे बनाया है। या मैं एक शॉर्ट में एक लाइन बताना चाहूंगा, यदि ऐसी कोई बनाना चाहते हैं, कोई घर में ऐसा कोई जिम बनाना चाहते हैं, आपकी जो रोड़ी रेत होगी, सीमेंट होगी, इन चीजों को इकट्ठा करें, तो उस चीज से फिर टेक्निक देखें मेरे YouTube चैनल पर कैसे कैसे मैंने वो चीजें बनाई हुई है। एक हमें जो जो पुल अप जो बार होती है लटकने के लिए, जो बार होती है, जो रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं युवा भाई उनके लिए कहना चाहूंगा मैं, तो आप उस तरह का बना सकते हैं, या लक्कड़ से भी बना सकते हैं, दो लक्कड़ इस तरह की और एक ऊपर हो गया, वो लटकने के लिए काफी अच्छा होता है वो। यदि किसी के पास पाइप वगैरह नहीं मिल पाते हैं, वैसे तो हो जाते हैं, यदि कोई ऐसे बनाने की इच्छुक है तो वो मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने चीजें बनाई है, कैसे बना सकते हैं। जो भी आपसे मतलब जो हमारे जिम से संबंधित जानकारी लेनी है तो सारा आपके YouTube चैनल में ही मिलेगा। जी सर, मेरी सारी जी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सर, मोटापा किसी को कम करना वो भी है, हर एक चीज जो चाहिए सर वो A to Z इंफॉर्मेशन है। या यदि किसी को कोई नई वीडियो बनानी है तो वहां पर मुझे कमेंट करके बस बता सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया पे मेरे जो अकाउंट है फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, राणा द वाई पर आपको सर्च करना है तो उस चीज को आप देख सकते हैं। हर जगह यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी हो गया। बहुत बहुत आभार सर, आज आपने हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए समय निकाला। तो हमारे किन्नौर अब तक पेज जी में आप बहुत जुड़े तो कैसा लगा सर थोड़ा सा? बहुत अच्छा लगा सर मुझे। थोड़ा मैं आप एक बात बताना था सर, मैंने आपको क्या बोलते हैं, जो ऑडियंस के थोड़े क्वेश्चन आ रहे होने थे सर आपके सामने, कुछ बताएंगे सर आप? आपके लिए बधाई है, आपके लिए बधाई के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। सब जो सबने बधाई दिया है और बधाई के अनुसार ही सारे वो हैं, सबने बधाइयां दी है जी। जी सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार कि आप सभी मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक आया हूँ और आगे भी। जी बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए। तो दर्शकों को बताना चाहता हूँ हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे हिमाचल के जो है एक अनोखा जिम जिन्होंने बनाया है राणा द वाइपर। तो उनके साथ आप रूबरू थे तो इसलिए फिर दोबारा कभी इनको मंच पे बुलाकर लेकर आएंगे सर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपके पास इश्यू हो रहा है सर, ये चल नहीं रहा है सर। जी आपने समय निकाला तो मिलते हैं अगली फिर कभी नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। जी हमारे साथ जुड़े थे आज हमारे हिमाचल के जिन्होंने एक बेहतरीन जिम जो है अपने कम खर्चों से बनाया हमारे आज के अतिथि राणा द वाइपर। तो ऐसे ही हम अपने घर में बहुत सारे इक्विपमेंट जो है सीमेंट सरिया जब्बल आदि से हम बना सकते हैं। तो कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर जिम बनाया था आप उन्हें इस वीडियो में देखें। और मैं किन्नौर अब तक पेज के द्वारा सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूँ और हिमाचल पुलिस का और किन्नौर पुलिस का भी जिन्होंने जो हमारे पेज को जो है खोलने में जो है एक ज्यादा समय नहीं लगाया। क्योंकि आपको तो पता है जब जब भी कोई भी इस प्रकार का इश्यू होता है तो कई महीने लग जाते हैं। कि अभी हिमाचल बैंड का भी जो है हिमाचल पुलिस बैंड का भी पेज हैक हुआ था, उन्हें 7 महीने लगे और हमारा पेज को कम से कम 15 दिन लगे। तो ये हमारे किन्नौर अब तक टीम का भी जिन्होंने रात दिन मेहनत किया इस पेज को जो है इस इशू को जो है ठीक करने के लिए। और हमारे भावनगर के पुलिस जो है प्रभारी सभी का आभार और हिमाचल के जो साइबर पुलिस वाले उनका भी आभार और हमारे जो जितने भी दर्शक है जो इस पेज को जो सराहते हैं उनका भी आभार। तो हमारे आज का अतिथि का वीडियो देखिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, वीरवार के एपिसोड गाँव शहर और राजनीति। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं कमलकांत राणा, पर सोशल मीडिया पर मुझे सभी राणा द वाइपर के नाम से जानते हैं। मैं बेसिकली कुल्लू जिले के निर्मल खंड के पोषणा पंचायत के एक छोटे से गांव चकलोर से संबंध रखता हूं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने गांव में हिमाचल प्रदेश का गांव का पहला जिम बनाया हुआ है। मेरे इस जिम की जो विशेषता है वो यह है कि इसमें मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मेरे डंबल वगैरह जो भी है, मेरा सारा जो सामान है सीमेंट से बनाया हुआ है, रेत से बनाया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें मैंने कुछ एक ऐसी चीजें भी यूज की हुई है, जैसे घरेलू जो चीजें होती है उनको भी मैं डेली की
डेली की दिनचर्या में यूज करता हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसी काफी सारी चीजें मैंने इसमें यूज की हुई है, जैसे रस्सी वगैरह, और इसके साथ साथ जैसे ईंटे होगी उनको भी मैं यूज करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी फिटनेस, इसके साथ साथ मैं युवाओं को ट्रेन भी करता हूँ, इसके साथ साथ मैं युवाओं को ट्रेन भी करता हूँ और ट्रेन करता आ रहा हूँ, गर्ल्स बॉयज मैं दोनों को ट्रेन करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूँ, एक फिटनेस के सिवा मैं गर्ल्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वो भी करवाता हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए। सेल्फ डिफेंस की मैंने जो ट्रेनिंग सीखी हुई है वो मैंने भारत की पुरानी कला, जो कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी जो मार्शल आर्ट है कलरीपयट्टू, जो कि भारत में जन्मी है, उस कला का मैं पिछले काफी समय से अभ्यास कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने ऐसी काफी सारी चीजें सीखी हुई है जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताता हूँ। आप सभी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो आप राणा द वाइपर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर राणा द वाइपर और इंस्टाग्राम पर मेरे इस नाम को सर्च कर सकते हैं। मेरे ऑल ओवर जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वो राणा द वाइपर के नाम से हैं, आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश का गांव का पहला जिम आप देख सकते हैं, मैं फिटनेस और हेल्थ पर स्पेशली वहां पर वीडियोस अपलोड करता हूं। और इसके साथ साथ ये गर्ल सेल्फ डिफेंस हो गया, और इसके साथ साथ मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से नशा छोड़ो बॉडी बनाओ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आज का युवा नशे से दूर होकर फिटनेस की गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। ये मेरा एक खुद का मिशन है, ड्रग फ्री फिट हिमाचल। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए, कोई फिटनेस की एक्टिविटी आप जरूर अपनाएं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो उसे आप जरूर अपनाएं। और ये मैंने हनुमान का गद्दा बनाया हुआ है जिसे मैं यूज करता हूँ, कुछ इस तरह देख सकते हैं आप, काफी अच्छा है। ये भी सीमेंट का बना है, आप सभी देख सकते हैं। ये जो वेट है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट वेट है, ये लगभग 20-25 kg होगा, ये लगभग 40 kg के आसपास होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पुलअप बार बनाई हुई है, जिसे आर्मी में यदि आप रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं, या आप अपने एब्स बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, पुलअप बार काफ़ी बेस्ट है ये, जिसे आर्मी के ये में बीमा कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह जो बीमा किए जाते हैं आर्मी के लिए। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मेडिटेशन के लिए बनाया हुआ है, या सुबह योगा करने के लिए बनाया हुआ है, सुबह के टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है। ये भी देख सकते हैं आप, ये मैंने स्पेशली बना के किए हुए हैं, ये ग्रीनरी। और दोस्तों ये जो सिलेंडर है इसको भी मैं यूज़ करता हूँ अपने एक्सरसाइज के लिए। इस सिलेंडर का यूज़ मैं इस तरह अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए करता हूँ, ताकि बॉडी की स्ट्रेंथ बने। ये बाइसेप बाहर हो गया इस तरह, और दोस्तों ये मेरा एक यहाँ पर रूम है, जहाँ पर मैंने कुछ इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप। ये मैंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है, ये मैंने जीन्स कपड़े से बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप इसे भी, देखते हैं आप, इसमें मैंने एक रस्सी लगाई हुई है, यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। इस तरह से भी यूज करता हूँ, विकलांग जो बच्चे होते हैं ये उनकी जो मशीन होती है, जो पैरों की जो चलने के लिए ये होती है, ये मैंने यूज की हुई है। ट्राइसेप्स के लिए मैं इसे कुछ इस तरह यूज करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जो अपनी एक्सरसाइज जो शुरू की थी वो इस इक्विपमेंट से शुरू की थी, लोकल लैंग्वेज में इसे झब्बर कहा जाता है, जो हमारी हिमाचल की जो लैंग्वेज है, मैं इसे भी यूज करता हूँ। और ये मेरा टेबल हो गया जिसमें मैं चेस्ट प्रेस वगैरह करता हूँ।